जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, टाइम ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं आप सबका, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। इसमें मसला ये है कि इसको जब ऑन करूँ ना तो इसमें बैटरी लो का ऑप्शन आता है, ये आपके सामने ऑन है, ठीक है, ये ऐसी बैटरी लो, हालांकि इसमें बैटरी बिल्कुल फुल है और ये ऐसी बंद हो जाता है। तो इसको मैं डीसी सप्लाई पे आपको चेक कराता हूँ कि उस पर ये मसला देता है कि नहीं देता। तो ये बैटरी से तो ऐसी कह रहा है। चले मैं आपको, फ्रेंड्स मैंने इसके साथ डीसी सप्लाई अटैच कर दी है, आप देख सकते हैं कि डीसी सप्लाई अटैच है। मैं इसको डीसी सप्लाई से ऑन करता हूँ, ये देखें डीसी सप्लाई से ऑन हो गया है। अभी चेक करते हैं कि वो वाला फॉल्ट इसमें है कि डीसी सप्लाई से ठीक है। तो ये देखें फ्रेंड्स, डीसी सप्लाई से भी ये सेम फॉल्ट बता रहा है। तो इसका जो मसला है ना वो सिर्फ एक मिनट का है, सिर्फ एक मिनट का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे हल करना है, सिर्फ एक मिनट का इसका मसला है। जी तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर। तो आपने करना क्या है कि ये जो प्लस का पॉइंट है और बीएसआई का है, इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। तो आपका जो मसला है वो 100% हल हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें एक फॉल्ट रहेगा और फॉल्ट ये है कि ये चार्जिंग नहीं करेगा, चार्जिंग शो भी नहीं करेगा और चार्जिंग भी नहीं करेगा। तो जो चार्जिंग का मसला है उसको हल करने के लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं। आपने वहां से वहां तक सिर्फ जम्पर कर देना है, ये जम्पर आपने नहीं लगाना, ये जम्पर सिर्फ मैंने इस मसले को हल करने के लिए आपके सामने लगाए, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर आपको इस तरह का कह के वो फॉल्ट तो ठीक कर देते हैं लेकिन उसमें एक और फॉल्ट बन जाता है चार्जिंग का। तो आप बेशक चेक कर लेना, ये चार्जिंग नहीं करेगा। तो मैं आपके साथ एक तस्वीर शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।